अगर आपने कभी अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपने ये सोचा होगा कि क्या मेरी आवाज सच में ऐसी है और आपको अपनी खुद की आवाज अच्छी नहीं लगी होगी। आज इस वीडियो में मैं इसके पीछे के रीजन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी कभी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। आपको अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग अपनी असली आवाज जिससे आप रोज बातचीत करते हो से अलग इसलिए लगती है क्योंकि आपके लिए आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग सच में आपकी असली आवाज से अलग है, लेकिन दूसरे लोगों को आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग और आपकी असली आवाज सेम लगती है। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग ही वो आवाज है जैसी आपकी आवाज असल में दूसरे लोगों को सुनाई देती है, और आप जो अपनी आवाज बोलते समय सुनते हो वो आवाज आपकी असली आवाज से अलग होती है। आपके कान के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला एक्सटर्नल ईयर जिसे आउटर ईयर भी कहते हैं, दूसरा मिडल ईयर और तीसरा इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर वो पार्ट है जो आपको दिखाई देता है, जिसे आमतौर पे लोग कान कहते हैं, और इसका काम है आवाज को बाहर से मिडल ईयर तक पहुंचाना। मिडल ईयर वो पार्ट है जो आपके कान के एक्सटर्नल और इनर ईयर के बीच में होती है। इसका काम है आवाज को आपके कान के पर्दे से इनर ईयर तक ट्रांसमिट करना, और इनर ईयर आपके कान की सबसे अंदरूनी पार्ट है। इसका काम साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिमाग में भेज देती है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही समझता है। आपकी जो मिडल ईयर होती है उसमें तीन छोटी बोन्स मतलब हड्डियां होती हैं, जिन्हें ऑसिकल कहते हैं, और इन्हीं की वजह से आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग आपकी आवाज से अलग लगती है। आपके कान का पर्दा मतलब ईयर ड्रम इन ऑसिकल्स के अगेंस्ट वाइब्रेट करता है और आवाज को इनर ईयर के एक पार्ट कॉकलिया में ट्रांसमिट कर देता है, और यही कॉकलिया साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल कर दिमाग में भेज देता है, और इस वजह से आप सुन पाते हैं। आवाज की प्रोसेसिंग अगर ऑसिकल्स से होती है तो इसे बोन कंडक्शन कहते हैं, और अगर आवाज की प्रोसेसिंग आपके कान के बाहर की हवा से हो तो इसे एयर कंडक्शन कहते हैं। आपका दिमाग दोनों एयर और बोन कंडक्शन से वो सेंस बनाता है जिसे हम साउंड मतलब आवाज कहते हैं। जब भी कभी आप दूसरों की आवाज सुनते हो तो ऑसिकल्स थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, लेकिन आपकी आवाज आपके लिए हमेशा लाउड होती है क्योंकि आपका मुंह आपके कान के बहुत करीब होता है। इसलिए जब आप बोलते हो तो लाउडनेस को ठीक करने के लिए ऑसिकल्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, जिससे आपकी आवाज आपके लिए काफी बदल जाती है और आपको अपनी आवाज लो पिच की लगती है, और लो पिच होने की वजह से आपकी आवाज कम लाउड होती है। इस वजह से आपकी आवाज जब आप बोलते हो आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग से इतनी अलग लगती है। ये भी एक फैक्ट है कि जब लोग अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसकी पिच चेंज की गई होती है, तो लोग अपने बात करने के तरीकों को भी बदल देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। और जो लोग अक्सर अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जैसे कि सिंगर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उन्हें अपनी आवाज में कोई फर्क नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज बदल जाती है, बल्कि उनका दिमाग धीरे धीरे उस आवाज का आदी हो जाता है, या फिर उनका दिमाग अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेता है कि उन्हें अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सामान्य आवाज जैसी ही लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय। Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, a courtesy.